अस्सलाम वालेकुम, पखेरानी टोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मौसम बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है कुहाट में और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपने गार्डन में और साथ ब्लॉग बना रही हूँ आप सबके लिए। आज है 29th रोज़ा। फीलिंग मिक्स्ड है क्योंकि खुशी भी है कि खैर से ईद आ रही है और दिल भी उदास है कि इतना प्यारा महीना जा रहा है हमसे। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह हम सबको सलामत रखे कि अगले रमज़ान में आप लोग के साथ इससे ज़्यादा मज़ेदार व्लॉग्स और रेसिपी शेयर करूँ। आप सबके साथ मेरा भी दिल बहुत उदास था क्योंकि मैं व्लॉगिंग सिर्फ और सिर्फ रमज़ान में कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों की इतने प्यार और इतने प्यारे कमेंट्स और इतना इंसिस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, कभी कभी व्लॉग बना ही लूँगी आप सबके लिए, लेकिन आप लोग रिकमेंडेशन मुझे खुद देंगे कि किस किस्म के आप व्लॉग देखना चाहेंगे। बाय द वे, आई होप आप सबको ये लिपस्टिक अच्छी लग रही हो। मैंने सोचा आज थोड़ी डिफरेंट लिपस्टिक लगा लूँ क्योंकि एक ही रंग मैंने तकरीबन पूरे रमज़ान एक ही कलर लगाया, लेकिन ज़रा गौर से देखिएगा मेरी लिपस्टिक। वैसे ग्लासेस उतारने की तुक नहीं थी, लेकिन मैं चाहती थी मेरी आप सबकी अटेंशन मेरी ग्लासेस के फ्रेम पर ना जाए, मेरे लिप शेड पर जाए। तो आज जो मैंने लिपस्टिक लगाई है वो है साइला कॉस्मेटिक की एंड द शेड इज़ नंबर 2। एज आई हैव मेंशन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो कि ये लिपस्टिक अभी इंट्रोड्यूस नहीं है मार्केट में, लेकिन अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं कि साइला कॉस्मेटिक पे क्या आ गया है, क्या आ रहा है, क्या आ चुका है, तो आप इस रीज़न के लिए साइला कॉस्मेटिक को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और अपडेटेड रहें। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि आप लोग ने ईद पे किस किस्म की मेकअप लुक करनी है जो ज़्यादा हैवी भी ना हो, बहुत लाइट भी ना हो और बिगिनर फ्रेंडली भी हो, तो इस वीडियो पे क्लिक करें और देखें मज़ेदार इजी पीजी सा ट्यूटोरियल। बाय द वे, अगर आप देखना चाहते हैं कि मुझमें ये एनर्जी कहाँ से आई, तो इस बंदे को सब्सक्राइब कर लें और इसके स्क्रिप्टेड व्लॉग्स देखें। इसके मेरी तरह रॉ कंटेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड व्लॉग अच्छी बना लेता है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक हिज पेज। बाय द वे, आज ज़्यादा कुछ करने को है नहीं बातों के अलावा, क्योंकि आई वोक अप एट 11:30 और फिर आई हैड माई क्लाइंट्स अराउंड 12:30 और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हाइड्राफेशियल वगैरह किए और अभी मैं फ्री हूँ और पार्लर जैम पैक्ड है, अंदर रश चल रही है, जो कि आई विश आप सबको दिखा सकती, लेकिन हर किसी का अपना प्राइवेसी रीज़न होता है। तो ये सूरत हाल है और आज हो सकता है मैं अपना रूट टच भी करा लूँ, हाइड्राफेशियल भी करा लूँ, तो देखें, दुआ करें मैं मोटिवेटेड रहूँ, मोटिवेटेड रहूँ और मैं एक्टिव रहूँ और मैं करवा लूँ अपना डाई भी और हाइड्रा भी। वैसे करा के क्या करना है, वही घर में ही बैठना है, मैंने कहीं जाना तो नहीं है, लेकिन चलो फिर भी दिल का मौसम बहाल करने के लिए कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो कुकी? कैसे हो, कैसे हो? कैमरा मत लो मुझसे। ठीक ठाक, तुम कैसे हो? मजे में, फिट फाट। थैंक यू सो मच उसामा, आपने हमारे कहने पे अपना एक पेज बना लिया है, बताओ अपने पेज के बारे में। मेरा एक नया पेज है द सेल्फी स्टोरीज के नाम से। मेरा काम होगा आप सब लोगों को एंटरटेनमेंट देना, फनी वीडियोस बनाना, बस मुझे सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो इनको जाएं इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे इनका पेज है द सेल्फी स्टोरीज के नाम पे। यस, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। इतनी रूढ़ी हो कि रोज जा रहे हैं। जा रहे हैं ना, आज आखिरी रोज है, कहते तो हैं। आपका दिल क्या कहता है? दिल पता नहीं, आधी रात को भी आता है, ईद आ जाती है, कोई पता नहीं चलता। मम्मा रमजान जाने का तो गम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा गम है ना मुझे, वो मजदार मजदार खाने जाने का। क्या करेंगे हम? चाय का टाइम, मजदार मजदार इफ्तारियां, ये क्या करेंगे? उसामा तुम्हें क्या लगता है क्या करेंगे हम फिर?
हम फिर बना के खाएंगे, फिर पकाएंगे। लेकिन उसामा के घर में तो ऑलरेडी हर दिन ऐसी चीजें बनती हैं, तो उसको क्या क्या फर्क उसको क्या गम होगा रमजान जाने का। हम लेकिन तो सहरी का मैं खफा हूँ, मैंने सहरी में मैं रोग नहीं चन्ना छोड़ तो वो मजा नहीं आएगा फिर। और कुकू क्या खाएगा, कुकू क्या करेगा रमजान के बाद? कुकू और शरारते करेगा। यस, क्या कर रहे हो? Practice. Investment in my future. Very big investment. Awesome, good for him. Awesome. बारिश हो रही थी इससे पहले और अभी हवा चल रही है। वेजिटेबल पुलाव। सच में? हाँ, कितने बड़े बड़े क्यूट पोटैटोज हैं, मुझे पोटैटोज अच्छे भी बहुत लगते हैं। ये क्या बन रहा है हमें? ये जर्दा। हाँ, सही ट्रेडिशनल खाना। मेरी कॉफी करती है, मैं भी अभी कॉफी करता हूँ। मैं क्यों करूँगी आपकी कॉफी? आप रात को सहरी की कॉफी की ना, मेरी आप कर रहे हो मेरी कॉफी। अच्छा, मैं कॉफी कर रहा हूँ। ऐसे देखो मोरे, मोरियो किधर जा रहे हो? इधर निकलो, निकलो, चलो जाओ। तो सवाल सीख लिया कि सर पूछे जाते हैं? नहीं, आप सिखाओगे और व्लॉग्स बना के। मामा आपको क्या लगता है कल ईद होगी कि नहीं? नहीं मतलब हमें एक और रोजा मिल गया। कल खैर से इंशाल्लाह जुमतुल विदा मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। पहले तो मैं जरा देख लो जर्दे की रेसिपी, जरा लोग अपनी जरा जर्दे की रेसिपी तो शेयर करें कि लोग किस तरह बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना रही हो आप? फ्रेंच टोस्ट। इधर शक्ल तो दिखाओ जरा, मतलब ऐसे ना शक्ल दिखाती दिखाती ये सड़ना है। नहीं सड़ेंगे, आप प्रोफेशनल लोग हैं भाई। माशाल्लाह। इस टाइप से बन रहे हैं पकौड़े। यम यम, मैं आज फिर ब्रेड पकौड़ा खाऊंगी जो फातिमा मेरे लिए इस्लामाबाद में बनाती थी। मैं लगा इस्लामाबाद में पकौड़े ज्यादा होते थे ना। हाँ जी, ये इसको मैं बता रही हूँ। कुकी कुकी चक मारे, चक भूख लगी है, कुकी को पकौड़े खाने हैं। कुकी को आज हम सब्ज मिर्च के पकौड़ा खिलाए। सब्ज मिर्च के पकौड़े खाओगे? कुछ इफ्तार करने के लिए रोजा। आज हमारी इफ्तारी लेट हो गई क्योंकि अम्मा पार्लर में मसरूफ थी, तो अभी भी चीजें बन रही हैं, अभी भी प्रोसेस में। क्या कह रही थी माँ? मैंने कहा अगर आज ये तरबूज न खाया किसी ने, तो आज के बाद इस घर में तरबूज बिल्कुल नहीं करो। और अगर आज के बाद आपने तरबूज के साथ इतना कुछ बनाया तो फिर ये वैसे भी कोई भी नहीं खा पाएगा। तो खरीदवाते किस लिए मामा? ताकि कुछ और ना बने और ये फ्रेशली खाया जाए मामा। मत खाओ ना, यही खाओ। अब ये क्या कह रहा था, इसका व्लॉग आप देख लें, ये कह रहा था इन सब चीजों को देख के कि ये इफ्तारी नहीं गुजारा है, गुजारा। ठीक है इधर करो, आज मैंने वाटरमेलन कर लो तो नहीं कहा ना मामा इसके ताने दे रही। मैं तो हर दिन वाटरमेलन कहता हूँ, तो आज मैंने इफ्तारी कह दी।
बस नमाज भी पढ़ ली है, इफ्तारी भी कर ली है, अब बैठे हैं कि चांद नजर आता है कि नहीं नजर आता। कोशिश जा रही है, कल रोजा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, लाहौर में चांद नजर नहीं आया अभी तक। वाह भाई, इनके चांद नजर आएंगे रात की 2 बजे। ये तो है। कब है ईद फातिमा? अब जल्दी बताओ, परसों। कब है? ऐलान हो गया कि नहीं हुआ अभी? पापा कह रहे हैं पहले, और एयर वाई कह रहे कि चांद नजर नहीं आया। तो चांद नजर नहीं आया तो 22 अप्रैल को ईद, तो हम कल जुम्मा रोजे में मनाएंगे। जुम्मतुल विदा कहते हैं उसे। हाँ, पे लड़ाई हो रही थी आदिनों, कह रहे थे कि पीके वाले लोगों ने फोन करके कहा कि ऐलान हो गया कल ईद है, तो आपका बेटा गुस्से में हो गया कि मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कह रही है कि कल ईद नहीं है, तो सही ये है ना? कैसे कह सकते हैं? सही तो कह रहा है मेरा बेटा। आपका बेटा तो सही कह रहे हैं, लेकिन आपका खावन फिर क्या कह रहे हैं? वो ही कहेगा जो मैं कहूंगी। तो फाइनली आज आखिरी रोजा नहीं था, और हम कल मनाएंगे इंशाल्लाह जुम्मतुल विदा। और हमारे इस बार अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोजे पूरे होंगे ना, 30 रोजे पूरे होंगे। पाकिस्तान में रह के और 30 रोजे पूरे करना, वो भी एक अलग स्टोरी है, एक मौजज़ा है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, फिर मिलते हैं करीब एक हैप्पी एंड हेल्दी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा पामान, अल्लाह हाफिज़।